हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने कुछ समय पहले एक ट्वीट करके कहा था कि जापान का अस्तित्व जो है वो संकट में है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये देश धीरे धीरे गायब हो जाएगा। एलन मस्क ने कुछ आंकड़ों के आधार पर ये बात कही है क्योंकि जापान में समुन्द्र कम हो रहे हैं। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी के मामले में आज जापान दुनिया के बेस्ट देशों में आता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया आज जापान को बूढ़ा देश बता रही है। जी हाँ, जापान लगातार बूढ़ा हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, जापान में 100 साल के उम्र से बड़े लोग की संख्या 86,500 से भी ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जापान की 30% आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र की है। इन आंकड़ों से आप समझ गए होंगे कि जापान कितनी तेजी से बूढ़ा हो रहा है। जापान की ओल्ड एजिंग सोसाइटी का देश पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जापान बूढ़ा क्यों हो रहा है और इस वजह से जापान में आर्थिक और सामाजिक तौर पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देर न करते हुए दोस्तों आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जापान की आबादी 127 मिलियन के आसपास है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2065 तक ये घटकर 88 मिलियन रह जाएगी और साल 2110 तक सिर्फ 53.4 मिलियन लोग ही जापान में रह पाएंगे। यानी अगले 40 सालों में जापान की एक तिहाई जनसंख्या कम हो जाएगी और उसके बाद अगले 45 सालों में इसमें 50% की और कमी आएगी। जापान में आज लगभग 30% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो वहीं 12% लोग 75 की उम्र का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2035 तक जापान की 33% आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र की होगी। 65 साल की उम्र के बाद लोग देश को आगे बढ़ाने में और देश के विकास में अपना योगदान देने में असमर्थ हो जाते हैं और इससे सिर्फ सरकार का खर्चा बढ़ता है। बूढ़ी आबादी से देश की सरकार पर बोझ कैसे पड़ता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले दोस्तों हम लोग ये बात जान लेते हैं कि आखिर जापान की जनसंख्या में कमी क्यों आ रही है। जापान की पॉपुलेशन में कमी आने के देखे दो मुख्य कारण हैं। पहला हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और दूसरा लो फर्टिलिटी रेट। जापान के लोगों की औसत उम्र 84.79 साल तक पहुंच गई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं आने वाले कुछ दशक में जापान के लोगों की औसतन उम्र 90 साल तक पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। लेकिन जापान के लोग इतनी लंबी उम्र तक कैसे जी लेते हैं, इसके पीछे की वजह है दोस्तों वहाँ के लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, डिसिप्लिन और गुड हेल्थ फैसिलिटीज। जापान के लोग बचपन से ही अपनी हेल्थ का काफी ध्यान रखते हैं। चाहे वो कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, दिन में 3 बार प्रॉपर मील जरूर खाते हैं और अपने खाने में मछली, कढ़ी, चावल इस तरह के हेल्दी फूड को शामिल करते हैं, जिससे उन्हें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल पाते हैं। और जापान में स्कूल और कॉलेज आने जाने के लिए स्टूडेंट्स साइकिल का इस्तेमाल करते हैं या फिर पैदल ही पूरा रास्ता तय करते हैं। वहीं ऑफिस जाने वाले लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में मोटा होना एक अपराध माना जाता है। मेटाबो लॉ के अनुसार किसी पुरुष का पेट 33.5 इंचेस और महिला का पेट 35.4 इंचेस से ज्यादा बढ़ता है तो उसे फिटनेस क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है और कई बार तो सरकार द्वारा उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। सोचिए अगर ऐसा लॉ हमारे देश में होता तो देश की आधी आबादी जुर्माना भरती। खैर, इतनी फिटनेस के बाद लोगों का लंबी उम्र तक जीना काफी स्वाभाविक है और साथ ही अगर कोई बीमार भी होता है तो उसे बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ के हॉस्पिटल्स में मिलती है। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की, जो है लो फर्टिलिटी रेट। जापान में आज के समय में फर्टिलिटी रेट 1.36 है, यानी 100 महिलाएं मिलकर 136 बच्चों को जन्म देती हैं और यह आंकड़ा सिर्फ उन महिलाओं का है जो शादी करने के बाद बच्चों को जन्म देती हैं। आज जापान के लोग काफी ज्यादा एडवांस हो रहे हैं और वो शादी जैसी चीजों को ओल्ड फैशन मानने लगे हैं। जापान के युवा अधिक उम्र के बाद ही शादी के बारे में सोचते हैं और यहाँ की महिलाएं भी अब शादी को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होती हैं, क्योंकि जापान एक विकसित देश है और ऐसे में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो किसी पुरुष पर निर्भर नहीं होना चाहती। जापान की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और वो 30 की उम्र के बाद ही शादी का मन बनाती हैं। साथ ही जापान की महिलाएं एक ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो इकोनॉमिकली स्टेबल हो। इस वजह से जापान के पुरुषों में इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है और वो दिन पर दिन डिप्रेशन के शिकार होने लग गए हैं। देश के युवा सोचते हैं कि वो पत्नी का अच्छे से ध्यान रख भी पाएंगे या नहीं। इसी कारण युवा भी शादी से बचने की कोशिश करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी माता पिता के साथ ही बिताने लगे हैं। और जापान में 60% लोग रेगुलर जॉब्स कर रहे हैं
तो वहीं 40% लोग नॉन रेगुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं। नॉन रेगुलर सेक्टर में काम करने वाले युवाओं से कोई भी महिला शादी नहीं करना चाहती, और आज जापान में जितने भी युवक कुंवारे हैं उनमें से 70% सिर्फ नॉन रेगुलर सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। वहीं रेगुलर सेक्टर में काम करने वाले लोग नौकरी के बाद जब घर पहुँचते हैं तो वो पूरी तरह से थके होते हैं। उनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, इस वजह से वो अपनी महिला पार्टनर को ठीक तरह से सेटिस्फाई भी नहीं कर पाते हैं। और ऑफिस और करियर के प्रेशर के कारण जापान के कपल्स बच्चे पैदा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि महिला या पुरुष कोई भी अपना करियर बच्चे के लिए दांव पर नहीं लगाना चाहते हैं। और जो कपल्स बच्चे कर रहे हैं वो भी एक बच्चे में ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जापान में बच्चों की परवरिश करना देखिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा महंगा है। स्कूल की फीस दोस्तों काफी ज्यादा है, और यहाँ तक कि चाइल्ड सर्विस भी जापान में बहुत महंगी है। हम आपको बता दें कि जापान में धीरे धीरे अप्रवासी लोगों की जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। एशिया के अन्य देशों से लोग जापान में नौकरी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जापान के पास धीरे धीरे यंग वर्किंग हैंड्स कम होते जा रहे हैं। जापान धीरे धीरे हर फील्ड में रोबोट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिससे वर्कर्स पर उनकी डिपेंडेंसी कम हो सके। जापान के कई रेस्टोरेंट्स, होटल्स और इंडस्ट्रीज में सिर्फ रोबोट काम कर रहे हैं। न सिर्फ जापान में बल्कि अमेरिका, कोरिया, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और मकाओ जैसे देशों में भी आने वाले समय में यही हालत देखने को मिल सकती है। और इसी बात को लेकर एलोन मस्क जैसे लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। एलोन मस्क का कहना है कि लोगों को लग रहा है कि दुनिया में आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसे कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असली आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो युवा आबादी लगातार कम हो रही है, जिससे दुनिया का विकास प्रभावित हो सकता है। जापान के युवाओं में डिप्रेशन और सुसाइड एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और फोर्ब्स के कुछ आंकड़ों के बारे में आपको हम बताते हैं, जिनको देखकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। दोस्तों, जापान में एक सर्वे किया गया था जिनमें 18 से 39 साल के पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया गया था। सन 1992 में जापान में इस एज ग्रुप में 21.7% महिलाएं ऐसी थीं जो 20 सालों के दौरान एक बार भी सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई थी, तो वही 20% पुरुष इस कैटेगरी में आते हैं। साल 2015 में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया। 24.6% महिलाएं और 25.8% पुरुष ने 18 से 39 साल के उम्र के बीच इंटरकोर्स से दूरी बनाए रखी थी। देश की इतनी बड़ी आबादी अगर यौन संबंध नहीं बनाएगी तो देश की जनसंख्या में कमी आना बिल्कुल लाजमी है। साल 2021 में जापान में दोस्तों पिछले 100 सालों के दौरान सबसे कम बर्थ रेट देखा गया है। 220वीं शताब्दी के दौरान भी कुछ ऐसे हादसों का सामना जापान को करना पड़ा था, जिसके कारण देश की जनसंख्या प्रभावित हुई थी। ब्रिटेन और जर्मनी की तरह ही जापान भी अन्य देशों को अपना गुलाम बनाने की होड़ में लगा हुआ था, और इसके लिए जापान ने एक बड़ी सेना तैयार की थी। जापान ने चीन, अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों के साथ युद्ध लड़े, और इन युद्ध में जापान के सैनिकों की भी बड़ी संख्या में मौत हुई थी। इतना ही नहीं, 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़े थे, जिससे जापान को बड़ा झटका लगा था, और नतीजा ये हुआ कि कई सालों तक जापान में बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए। इसके बाद वियतनाम के साथ युद्ध में भी जापान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इन युद्धों के कारण जापान में पुरुषों की जनसंख्या कम हो गई थी, और परमाणु बम का सामना करने के बाद जो लोग जिंदा बच गए थे उनमें रिप्रोडक्टिव की क्षमता समाप्त हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं एक बूढ़ी आबादी से जापान में इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। ओल्ड एजिंग सोसाइटी के कारण जापान को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों ही क्षेत्रों में नुकसान हो रहा है। जापान में लेबर फोर्स की कमी देखी जा रही है। दरअसल जापान में रिटायरमेंट की उम्र 63 साल है, और 63 साल की उम्र के बाद लोग सरकार के पेंशन पर निर्भर है। जब देश में जितनी ज्यादा बूढ़ी आबादी होगी, सरकार पर उतने ज्यादा खर्चे का बोझ पड़ेगा। उन लोगों को पेंशन देने के अलावा उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। अब जब जापान की सरकार पर बोझ पड़ेगा तो इससे देश की जनता भी प्रभावित होगी। जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सरकार ज्यादा टैक्स वसूल करेगी, और बूढ़ी आबादी से टैक्स की कोई उम्मीद सरकार नहीं कर सकती है। आज जापान में बच्चों के डायपर से ज्यादा बिक्री अडल्ट डायपर्स की हो रही है। OECD की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में जापान अपनी अर्थव्यवस्था का सिर्फ 3.73% हिस्सा पब्लिक पेंशन के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर 10.2% तक पहुँच गया है। यानी आज जापान की अर्थव्यवस्था का 10% हिस्सा तो सिर्फ पेंशन देने में ही खर्च किया जा रहा है। ऐसे में जापान को अन्य क्षेत्र या फिर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में न चाहते हुए भी कटौती करनी पड़ रही है। पेंशन के खर्चे को कम करने के लिए जापान काफी सोच विचार कर रहा है। जापान रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी कर सकता है, और साथ ही पेंशन मिलने वाली उम्र में भी कुछ साल बढ़ा सकता है। ऐसा करने से जापान पर कुछ समय के लिए पेंशन का बोझ कम जरूर हो सकता है।
है, लेकिन ये समस्या का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। देखिए, कोई भी देश बूढ़ी होने वाली आबादी को नहीं रोक सकता, लेकिन एक तालमेल बिठाने के लिए उस देश में उचित जनदार का होना जरूरी है। चीन ने 4 दशक पहले जो वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, आज उसे इस बात का पछतावा हो रहा है। और अब चीन ने अपने देश में 3 बच्चे करने की परमिशन दे दी है, लेकिन चीन के लोग अब 3 बच्चे करने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उनकी मानसिकता सिर्फ 1 बच्चे तक ही सीमित रह गई है। कई यूरोपीय देशों में बच्चे के जन्म के वक्त सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जापान को भी जनदार बढ़ाने के बारे में कुछ न कुछ सोच विचार करने की जरूरत है, वरना एलन मस्क की जो भविष्यवाणी है कि जापान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो एक न एक दिन जरूर सच हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे आखिर जापान क्यों बूढ़ा हो रहा है और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव जापान को भुगतने पड़ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी फिलहाल भारत में इस तरह की कोई समस्या पैदा होने के आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे भारत में भी विकसित देशों की तरह देर से शादी करने का जो कल्चर है वो बढ़ रहा है और बहुत से लोग कुंवारे रहना ही पसंद कर रहे हैं। उसे देखते हुए आने वाले कुछ दशक के बाद जापान या चीन की तरह ही भारत में भी बूढ़ी आबादी ज्यादा हो सकती है, इसलिए हर चीज और काम अगर सही समय पर हो जाए तो वो सभी के लिए अच्छा रहता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको जापान की समस्या के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।